हंगू में भी तमाम सीएनजी पंप्स एक माह के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी घरेलू सार्फिन गैस की सहूलत से महरूम हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज तारिक मुगल से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जिला की तरह जिला हंगू में भी तमाम सीएनजी पंप्स को अब मौसम सरमा में एक माह के लिए बंद कर दिया गया है। और सुई नादरन हुकाम का कहना है कि गैस सीएनजी पंपों की बंदिश का मकसद सिर्फ ये है कि घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाए, लेकिन देखने में आया कि घरों में भी गैस का जो प्रेशर है वो बेहतर नहीं हुआ और घरेलू अमूर में भी खवातीन को मुश्किल का सामना है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद। लेकिन अभी पंप जो बंद है, कल परसों से पंप बंद है और घरेलू सार्फिन जो है वो उसी की उसी तरह है, उसी तरह परेशान है। रात को भी गैस नहीं है, सुबह का नाश्ता लोग कुछ बाजार वाले लोग बाजार से लेके आते हैं। तो हम अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि या तो सीएनजी पंप खोले, और अगर सीएनजी पंप आप नहीं खोलते तो ग्रीनवी सारिफिन को तो कम से कम इसका जो बेनिफिट है वो तो मिल जाए ना। जी बिल्कुल, आपने शहरों की गुफ्तगू सुन ली, इनका यही कहना है कि सीएनजी पंप्स की बंदिश के बाद किरायों में इजाफा होगा, क्योंकि 90% जो ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पर मुंतकिल हो चुकी है। एक महंगाई का एक नया स्पेल आएगा और घरेलू खवातीन को भी जो मुश्किलात हैं वो भी अपनी जगह पर कायम है।